काम कर रहे हैं। क्षेत्र के हमारे आदरणीय हैं, उनके लिए अपने सांसद मत से 11 लाख रुपए का भवन बनाने के लिए मैं उन्हें घोषणा करता हूँ। 95 से हम लोग एक साथ भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं। भगवान बिरसा मुंडा अपने कम आयु में अंग्रेजों से लोहा लेके जनजाति समाज को इकट्ठा करके भारत देश को आजाद कराए। तो इसलिए हम लोग कभी इधर पर नहीं जाएंगे, हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे। और ये जी हाँ, आज 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती। सबसे पहले तो हम समस्त जनजातियों के तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, क्योंकि 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने घोषणा किया है। और हमारे 13 तारीख से हमारे यहाँ गौरव जनजाति गौरव पद यात्रा का शुभारम्भ हुआ। आज 15 नवंबर है, जो प्रतिवर्ष अनुसार हमारे मुंडा जनजातियों के द्वारा भागलपुर बिरसा मन से रैली निकलती है और बिरसा चौक पे आके पूजा अर्चना के बाद समाप्त होती है। और हमारा आज जो 15 नवंबर का दिन है, हमारा बिरसा मुंडा जो शहीद बिरसा मुंडा कहा जाने वाला जो है, हमारे जिन्हें हमारे समुदाय भगवान के रूप में मानता है और भगवान है वो हमारे लिए, तो इलीहातू में इनका जन्म हुआ खूंटी जिला में। उसके बाद इन्होंने 1857 में अंग्रेजों का विरोध करने के बाद में इन्होंने पहली बार अपना कहते हैं ये लड़ाई शुरू की, जिसमें उन्होंने खूंटी थाना को अंग्रेजों के जो षड्यंत्र था उसके चलते खूंटी थाना को उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद 1898 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया एक नदी डोंगा नदी के पास, और वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की और तीर कमान से और अंग्रेज़ों को खदेड़ा। उसके बाद इन्होंने जनवरी में 1900 में इन्होंने डुम्बारीपुरु में अपना संगठन को मजबूत करने के लिए एक सम्मेलन जनजातियों का बुलाया, जिसमें हमारे जनजाति के लोगों ने भीतरघात करके इसका सूचना अंग्रेज़ों को दिया। और अंग्रेज़ों के द्वारा, चूँकि अंग्रेज़ों ने ये अपना एक 1898 में एक जंग हार चुकी थी, इससे वो पूर्ण तैयारी से डुम्बारीपुरु में आया और चारों तरफ से डुम्बारीपुरु पर्वत को घेर लिया और बिरसा मुंडा को इन्होंने गिरफ्तार किया। इन्होंने गिरफ्तार करने से पहले बिरसा मुंडा ने और हमारे समुदाय ने बहुत ज़ोर शोर से इसका लड़ाई लड़ा और अंत में बिरसा मुंडा को हमारे जो जनजाति लोग नेता मानते थे उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जी, आपका रहना संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप गिरफ्तार होने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। हम लोग कुछ लोग ने गिरफ्तार दिया और उनको भगा दिया, परंतु इन्होंने तीन फरवरी को इन्हें चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रांची जेल भेज दिया गया। और इनको षड्यंत्र के तहत इनको कहा जाता है, इनको पॉइजन दे के मारा गया और इनका शहीद हो गया। और 9 जून 1900 को इनका देहांत हुआ और स्वर्गवास हुआ। और इससे हम लोग हमारे जनजाति गौरव समाज के ये गौरव इससे हमारे जनजाति समाज गौरव करता है कि आज अंग्रेज़ों से लड़के ये क्रांतिकारी जो महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू होने से पहले इन्होंने क्रांति सूप फूका था, वो आज महात्मा गांधी के द्वारा साक्षी हुआ और आज भारत देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे जल जंगल जमीन की निवासियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की बलिदानी दी। और हम सभी युवा उनसे सीखने की जरूरत है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हम सबको उनके अनुकरण करना चाहिए, उनके वचनों का अनुकरण करना चाहिए और उनसे सीख लेने चाहिए कि किस तरह से उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र तक उन्होंने जिस उम्र में युवा आज के युवा पढ़ाई लिखाई में अपना समय बिताते हैं, तो उस मात्र 25 साल की उम्र में ही उन्होंने
हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदानी दी। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी बाई है, और ये मेरे साथी हैं। हम लोग गवर्नमेंट MLB गर्ल्स स्कूल से आए हैं, जसपुर से। आज क्या कार्यक्रम है, किस पे कार्यक्रम? आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन, 150वें जन्मदिन को हम आज यहाँ मनाने के लिए बिरसा मुंडा चौक जसपुर में उपस्थित हुए हैं, और हमारे स्कूल से तथा जसपुर के अन्य जगहों से भी कार्यक्रम यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी भी भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को अनुसरण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और सरकार द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। समाज के आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हैं मुंडा समाज के, हमारे जनजाति समाज के। उन्होंने कुछ जसपुर शहर में हम कुछ कार्यक्रमों के लिए हमारे मुंडा समाज के लिए उन्होंने मांग रखी। मैं उन्हें, मेरी लोकसभा के जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे आदरणीय हैं, उनके लिए अपने सांसद मत से 11 लाख रुपये का भवन बनाने के लिए उन्हें घोषणा करता हूं। और आज के सभी इस कार्यक्रम में आए उसके लिए मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी विश्राम करना चाहूँगा। बोले भारत माता की, बिरसा मुंडा भगवान अमर रहे, बिरसा मुंडा भगवान अमर रहे। आज बड़ी खुशी की दिन है कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों के लिए जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए उनके द्वारा आह्वान किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में पूरे क्षेत्र के कोने कोने से आकर आदिवासियों ने, सभी जनजातियों ने बहुत ही भव्यता के साथ जनजाति गौरव दिवस को मनाए हैं। और भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए उनकी जीवनी सभी जन जन तक पहुँचाने का काम किए हैं, और जनजातियों के विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम दिया गया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए भगवान बिरसा मुंडा के उस महान कृत्य को, कार्य को अवगत कराना चाहूँगा कि वे कम संसाधनों के बीच भी जो अंग्रेजों का थाना, खूंटी थाना को 4 मिनट में मार के शमशान घाट में बदल दिए थे, ऐसे महान वीरों के डर से अंग्रेज दूम दबाकर भारत देश से भाग गए। मैं सभी जनजाति वीरों को नमन करता हुआ धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे भारत में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम जनजातियों को ये अवसर दिया है, और जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से अरबों रुपया का विकास कार्यों की घोषणा भी किए हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं। कई ऐसे कार्य वर्षों से नहीं हुआ था, जनजाति गौरव दिवस के घोषणा के बाद लगातार विकास कार्य जनजातियों के लिए हो रहा है। हृदय से धन्यवाद, आभार। और जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा अपने कम आयु में अंग्रेजों से लोहा लेके जनजाति समाज को इकट्ठा करके भारत देश को आज़ाद कराए, उनकी पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा की इन इस स्वर्णिम और इस प्रकार का जो काम है, जन जन तक पहुँचे, इवाम तक पहुँचे, यही मैं चाहती हूँ। भगवान बिरसा सदैव अमर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा जी का जो 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज जसपुर जिले के पूरे जनजाति समाज के, हमारे सभी वर्ग के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से लेकर के सभी वर्ग के हम लोग एक साथ भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाए हैं। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए भाग्य है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जनजाति गौरव दिवस का एक हमें अवसर मनाने का अवसर दिए। हमारे पुरोधा, हमारे उन महान विभूतियों का नाम
उन्हें याद करने का एक दिन दिए हैं। ये हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। जी सर, ट्रेन लाइन की नई जानकारी क्या है हमारे लोहरदगा जसपुर ट्रेन लाइन पर? जी देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में असंभव ही संभव हो जाता है। अभी कुछ ही दिनों के बाद जसपुर जिला को ट्रेन का सौगात मिलने वाली है। धर्मजयगढ़ से जसपुर होते हुए एक लोहरदगा के लिए ट्रेन लाइन की मतलब मांग की गई है और होने वाला संभव है। और जसपुर से एक अंबिकापुर रेल लाइन जुड़ेगी। बहुत ही जल्दी जसपुर जिले को ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से हमारे इसी कार्यकाल में, मोदी जी के और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में ही जसपुर जिले को रेल लाइन का सौगात मिलेगी। दोस्तों, बिरसा मुंडा गौरव दिवस के खास मौके पे आज हम लोग इस जसपुर के सर्किट हाउस में खाना खाने के लिए तैयारी करते हुए देख सकते हैं। सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। सारे लोग आज के खाने में है पनीर, भिंडी की सब्जी, पापड़, सलाद, रोटी, लगभग सबके थाली में यही है। दोस्तों, मेरा नाम सरोज भगत है और मैं अपने चैनल में जसपुर में हो रहे जो भी घटनाएं, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं, अपने चैनल में दिखाते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें।